भारी बारिश के कारण जिले की सभी नदियां इन दिनों खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिसमें नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के मुताबिक जिले में कुल 288 नावें तैनात हैं जो संभावित बाढ़ क्षेत्रों में लगाई गई हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 62 मजरों में नदियों का पानी पहुंच चुका है, जिसको देखते हुए उन क्षेत्रों में 109 नावें लगाई गई है, जिसमें लोग आवागमन कर अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि फिलहाल जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। एक दो स्थानों पर नदी का पानी अपने पुराने रूप में आ गया है, वहां पर भी जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था कर दी गई है। बाढ़ चौकियों शेल्टर हाउस को सक्रिय कर दिया गया है। जिले में कहीं भी कोई भी जनहानि या पशुहानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया, क्या नदी की स्थिति है? जनपद में पिछले समय से लगातार वर्षा हो रही है, तो नदियां इस समय उठान पर हैं, चढ़ाव पर हैं, और उनका जो डूब क्षेत्र है उसमें जो आबादी बसी हुई है, जो छोटे छोटे मजरे बसे हुए हैं, उनमें चारों तरफ से पानी एकत्र हो गया है। तमाम लंबा डूब क्षेत्र है जो पौंड की शक्ल में इस समय है, दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे गांव जिनके पहुंच मार्ग पर पानी भर गया है, ऐसे गांवों में अब तक पूरे जनपद में 109 नावें लगाई गई हैं। नावों की संख्या पर्याप्त है, नावों की कमी नहीं है, जहां भी आवश्यकता होगी तत्काल उसे लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त तारपोलिन मंगा लिया गया है 1000 की मात्रा में, शेल्टर होम की व्यवस्था है, भोजन के पैकेट की व्यवस्था है, भोजन कच्ची खाद्य सामग्री की व्यवस्था है। जैसे ही कोई गांव मैरुंड घोषित किया जाएगा, बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाएगा, उन गांवों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक लगभग कितने गांव में पानी घुसने? अब तक
62 मजरें हैं जो जिनके चारों तरफ पानी भर गया है। यद्यपि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई पशु हानि नहीं हुई है, अभी लोग गाँव में ही रह रहे हैं, नाव से गांव तक जाते हैं और बाजार करने के लिए अन्य कार्यों के लिए नाव से गांव से बाहर निकलते हैं, मुख्य मार्ग पर आते हैं, वहां से आगे गंतव्य पर जाते हैं। सर, ऐसे कुछ कर्मचारी भी लगाए गए हैं या कुछ गांव के ग्राम प्रधानों को भी सचेत किया गया है? मैं कंट्रोल रूम के माध्यम से ऐसे ग्राम प्रधान जो हमारे लो फ्लड लेवल के गाँव हैं, लगभग 250 गाँव हैं जो लो फ्लड लेवल के समय प्रभावित होते हैं, तो उन प्रधानों से लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, ये लोग संपर्क में हैं। हमारे यहाँ कुल 86 बाढ़ चौकियाँ हैं, बाढ़ चौकियों पे कर्मचारी तैनात हैं। कहीं पर भी बाढ़ को लेकर के कोई अप्रिय सूचना नहीं है। एक राजपुर दूबी गांव है, उस गांव में राप्ती नदी ने अपना लगभग 50 वर्ष बाद अपना जो मेन कोर्स था उसको अख्तियार कर लिया, जहाँ 50 वर्ष पहले बहती थी वहाँ बहने लगी। तो राजपुर दूबी के कुछ गांव, कुछ राजपुर दूबी के कुछ घर नदी में कट के बह गए हैं, जिनको अहेतुक सहायता उपलब्ध करा दी गई है। पौहरिया एक गांव है गोला में, वहां का भी मैंने भ्रमण किया है। तो गांव तो लगभग खतरे पे है, नदी के किनारे है, नदी वहां पर कटान करने की स्थिति में है, तो उससे बचाव के लिए वहाँ पर ट्रीज पर और अन्य व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं।